हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अभी विजन में। आज हम सभी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लासिफाइज रीजनल मूवमेंट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एथनिक एंड नेटिविस्ट मूवमेंट्स। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवेन है, आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गेस कर सकते हैं, मैं आंसर आपको बताते चलता हूँ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि मायरन विनर जो हैं वो इंडिया के रीजनल मूवमेंट्स को एथनिक और नेटिविस्ट मूवमेंट की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि मायरन विनर का कहना है कि जो भी रीजनल मूवमेंट्स होते हैं इंडिया में, स्टेट लेवल मूवमेंट जितने भी हैं, वो एथनिसिटी पर बेस्ड होते हैं, यानी कि जाति आधार पर, प्रजाति आधार पर बेस्ड होते हैं, या ये जो मूवमेंट है वहाँ के नेटिव पीपल पर फोकस्ड होता है, बाहर के लोगों पर ये मूवमेंट जो है वो फोकस्ड नहीं होता है। नेटिव का मतलब होता है कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं, ये मूवमेंट उन्हीं पर फोकस्ड होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, चूँकि मायरन वीरन का कहना है कि इंडिया में जितने भी रीजनल मूवमेंट्स हैं वो एथनिसिटी नेटिविस्ट पर बेस्ड होते हैं, ओके, इसीलिए इन्होंने इंडिया के रीजनल मूवमेंट्स को एथनिक और नेटिविस्ट मूवमेंट की संज्ञा दी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोट्स। एक तरफ आपके लिस्ट फर्स्ट में अप्रोचेज दिए हुए हैं और लिस्ट सेकेंड में उनसे रिलेटेड वर्क्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच जो है उसका करेक्ट मैच होगा आपका द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि वीपी मेनन जी के द्वारा लिखा गया है। आपको पता होगा कि जो इंडियन स्टेट थे पहले उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, और उन्हें इंटीग्रेट करने में वीपी मेनन जी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये बिलोंग करेगा आपका द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट वीपी मेनन हिस्टोरिकल अप्रोच से, यानी ए का टू। ओके, तो ए का टू है तो आपका ऑप्शन बी इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए का टू इसमें जो गिवन कोट्स है वो कहीं भी नहीं है। फिर बाकी देख लेते हैं, जैसे बी है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक संस्था है, तो पार्लियामेंट इन इंडिया जो कि मोरिस जोन्स है ना, ये इनका वर्क है, वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसमें अपनाते हैं। ओके, लीगल अप्रोच सी का जो करेक्ट मैच्ड है वो होगा फोर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि एलन ग्लेडल जी का वर्क है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच इसका करेक्ट मैच होगा द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, जो कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का वर्क है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री है फ्रेंड्स, हु हैज डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी। तो ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवेन है, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने इंडियन सोसाइटी को ए पॉलिटिकल सोसाइटी कहकर पुकारा है। इसका तात्पर्य ये है कि इंडियन सोसाइटी में जो भी पीपल हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही कम एक्टिव हैं। ओके, ए पॉलिटिकल सोसाइटी का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल सोसाइटी है, लेकिन लोग उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते जितना कि अन्य सोसाइटी में एक्टिव रहता है या पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रजनी कोठारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ डोमिनेंट कास्ट, यानी कि डोमिनेंट कास्ट का आइडिया किसने दिया है। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवेन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का आइडिया दिया है। फ्रेंड्स तो क्या है डोमिनेंट कास्ट का आइडिया, आइए इसे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का आइडिया दिया था। इसका तात्पर्य यह है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी समाज में कोई एक ऐसी विशेष जाति होती है, कास्ट होती है, जो सभी जातियों से ऊपर होती है, जिसका वर्चस्व, जिसका प्रभुत्व अन्य जातियों पर होता है, और वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली रूप से भी जो है वो अधिक पावरफुल होती है। ओके तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा दिया गया था, और कहा गया था कि आप किसी भी समाज में चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई एक जाति जो है वो अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को स्थापित करके रखती है अन्य जातियों के ऊपर। ओके और वो हर तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली स्ट्रांग रहती है। ओके और ये जो आइडिया है डोमिनेंट कास्ट का, ये एम एन श्रीनिवासन जी के द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। और इस आइडिया को उन्होंने अपने फेमस वर्क यानी फेमस बुक द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, जो कि 1987 में पब्लिश हुई थी, इसमें दिया है। ओके तो ये आपके नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द टर्म संस्कृतिजेशन वाज क्वाइंड बाय, ये जो टर्म है संस्कृतिजेशन ये किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है। ओके तो ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवेन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा ये जो टर्म है वो क्वाइंड किया गया है, गढ़ा गया है। तो ये संस्कृतिजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है एम एन श्रीनिवास जी का, ये आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स एम एन श्रीनिवासन जी का कहना था कि चूंकि सोसाइटी है तो सोसाइटी में लोअर कास्ट भी हैं और अपर कास्ट भी हैं, तो जब लोअर कास्ट वाले जो है वो अपर कास्ट के रिचुअल्स, जो रीति रिवाज हैं, जो उनकी परंपराएं हैं या जो उनकी संस्कृति है, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। ओके और उनको अपने में उनका अनुसरण करें और अपने में लागू करने की कोशिश करें। ओके यानी कि जो अपर कास्ट की संस्कृति है, अपर कास्ट के जो रिचुअल्स हैं, जो उनके प्रैक्टिसेस हैं, वो डोमिनेंस पोजीशन पर रहे लोअर कास्ट के ऊपर, और लोअर कास्ट जो है उन्हें फॉलो करें, तो यही जो है संस्कृतिजेशन कहा जाता है। ओके एम एन श्रीनिवासन के पर्सपेक्टिव से तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु अमोंग द फॉलोइंग मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू थियोरीज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन सोशल डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवेन है, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में सोशल डोमिनेंस और स्टेट पावर के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको थ्योरी के रूप में किसने बिल्ड किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके यानी कि फ्रैंकल एंड रॉ का एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, जो कि 1989 में पब्लिश होती है, और इसी बुक में वो डोमिनेंस और स्टेट पावर के बीच जो है वो इंट्रैक्शन की थ्योरी को समझाने की कोशिश करते हैं, बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर दो लिस्ट आपको दिए गए हैं, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको कुछ इंडियन स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट सेकेंड में उनसे रिलेटेड कुछ वर्क्स दिए गए हैं। ओके तो आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट मैचिंग। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का थ्री होगा। आर एम जेनकिंस के द्वारा ये बुक लिखा गया है, रीजनल रिफ्लेक्शंस कंपेयरिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडियाज स्टेट। मायरन विनर के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है।
क्रिस्टोफे जेफरलेट के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन द राइज ऑफ द लो कास्ट्स इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। पॉल आर ब्रास जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। इन सारे पुस्तकों को और इनसे रिलेटेड जो स्कॉलर हैं उन्हें आपको याद कर लेना है क्योंकि ये नेट एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, आपको बताना है क्या है करेक्ट आंसर। तो रजनी कोठारी जो है वो कांग्रेस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, पॉल आर ब्रास डिस इंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ये करेक्टली मैच्ड हैं ये तीनों, लेकिन जेम्स मैनर्स पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी अब हम देखते हैं कि पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी से कौन बिलोंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी जो है वो सुहास पालसीकर, केसी सूरी और योगेंद्र यादव का एक कंबाइन वर्क है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है पार्टी कंपटीशन इन इंडियन स्टेट्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। ओके, और ये बुक इन तीनों ने मिलकर लिखी है और इस बुक को जो है वो 2014 में पब्लिश किया गया है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको मूवमेंट दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनसे रिलेटेड जो एक्टर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, मेन जो लीडर हैं, उनसे रिलेटेड लीडर दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चिपको मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा ए का 3, नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं मेधा पाटेकर बी का 1, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं आपके अरुणा रॉय, और तेलंगाना मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं के चंद्रशेखर राव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोइंग द स्टेट एंड डोमिनेंट कास्ट इज नॉट करेक्ट। ओके, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो स्टेट और उससे रिलेटेड डोमिनेंट कास्ट को शो नहीं करता है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पंजाब में जट सिख है, ये सही है, राजस्थान में राजपूत हैं, बिल्कुल सही है, कर्नाटक में लिंगायत हैं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन सी ये इनकरेक्टली मैच्ड है। केरला में जो है वो वेलमा कास्ट जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पर नहीं है, बल्कि ये यहाँ पाया ही नहीं जाता। वेलमा जो कास्ट है वो डोमिनेंट पोजीशन पर है, वो आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो UGC नेट एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।